नमस्कार, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज आप सभी को मैं दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा पुराना फल, जिसे अगर आप लोग महल की प्रजाति भी होती है, दो तीन प्रकार की, पहाड़ी भाषा में भी इसे महल कहा जाता है। तो एक बहुत ही मतलब लाभकारी फल है और इसे अगर आप लोग देखेंगे तो जड़ी बूटी के तौर पर भी ले सकते हैं। तो ये मतलब कि हमेशा जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है, ये काफ़ी ही लाभदायक फल है। तो आप सबको मैं उस फल की विशेषताएं भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है वो महल का महल जो मैंने इससे पहले एक दो वीडियो बनाई थी। जब हमारे यहाँ रुपाई होती है, तो रुपाई होने के बाद जैसे धान जो उसके 10-15 दिन के बाद जैसे हमारा हरेले का त्यौहार आता है, तो इसी पेड़ को लगाया जाता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये महल का पेड़ है, तो इसको लगाया जाता है। और ये मतलब काफ़ी शुद्ध भी माना जाता है, काफ़ी इसे अगर लोग देखा जाए तो हर तरह से मतलब जड़ी बूटी के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। तो यह नदी के किनारे जाते होता है। अब जैसे मैं इस फल को दिखाता हूँ, और इस फल को आप लोग देख सकते हैं, ये इस प्रकार का ये फल होता है। और ये पक जाता है, जब ये पकता है तो इस प्रकार का हो जाता है, देखिए आप। और ये इतना स्वादिष्ट होता है, बहुत आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। इसको हमने बचपन में बहुत खाया है। इसका फ्लेवर कैसा होता है मैं आप सबको, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा, हल्का मीठा, मतलब खट्टा मीठा टाइप में होता है। और अभी इसका पकने का सीजन आ गया, और इसे एक चिड़िया होती है जो वो इस फल को बहुत ज़्यादा खाती है। देखिए इस प्रकार का होता है ये फल, अंदर से काला काला वो, लेकिन होता बड़ा टेस्टी है। और अभी इसको शायद चिड़िया ने इसमें चोंच मारी हुई है, तो यहाँ पर मैं और देखूँगा, वो फल तो पका नहीं है। लेकिन अभी से नहीं पकते, इनको करीब एक महीना और लगेगा ये, और ये अच्छी तरह पक जाएंगे। तो अभी मैं आया हूँ खेत में, और खेत में आने के बाद इससे पहले जहाँ मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम पहले दिखाया, तो यहाँ पर चक्का लगा दिया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे। तो ताकि अब ये बारिश आ रही है, देख बारिश का मौसम हो रहा है, और बारिश ना आ जाए इसलिए यहाँ पर चक्का लगा दिया है। अब 2-4 दिन के बाद उसे मान लेंगे, और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, और आप सभी वीडियो के साथ बने रहें। को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारा ये असोच का महीना है, इस महीने में लगभग नहीं भी होती हैं 6-7 फसल एक ही टाइम पर होती हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब टफ होता होगा हम लोगों के लिए। और इस टाइम पर बारिश का मौसम जो है वो काफ़ी बना रहता है, पर हमेशा बादल मंडराए रहते हैं, और बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं। तो आप लोग बने रहें। तो इस टाइम पर जो है 5 या 6 फसल होती हैं, जैसे मंडुआ हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, ऐसी मतलब, और जो कि हमारे गांव के, जैसे आप लोगों को भट्ट मांस के बारे में पता होगा, भटके डुबके जिससे बनते हैं, तो इस प्रकार बहुत सारी इस टाइम पर फसल होती है। तो भीगने का डर रहता है, इसलिए काम ज़्यादा रहता है। तो लोग इस टाइम पर बहुत जल्दी में करते हैं काम, खाने का भी उनको फुर्सत नहीं है, मतलब कि आप सबको मैं बता नहीं सकता हूँ, जस्ट इमेजिन आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का काम होता है असोच के महीने में। तो बस इतनी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।